गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। और आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, और इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो शिक्षक दिवस के मौके पर बनाई गई, जो कि ऑनलाइन है। अब शिक्षक दिवस लग ही नहीं रहा है कि शिक्षक दिवस है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं है सामने, खाली टेबल है, खाली चेयर है, तो स्टूडेंट्स सामने नहीं है, बच्चे अपने सामने नहीं हैं। तुम लोग घर में बैठ के वीडियो देखोगे तो एक बार हैप्पी टीचर्स डे जरूर बोलना, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं मेरे पास जरूर भेजना, ठीक है? और जिन बच्चों ने भेजी है तो उन बच्चों को मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू वेरी मच तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। अच्छा बेटा, अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं वापस से। जो अपना काम है उस काम को नहीं छोड़ते हैं। तो अपना काम अब क्या है कि हमने चैप्टर 16 शुरू किया था त्रिविम रसायन, और त्रिविम रसायन आज अपने समाप्ति पे पहुंच गया है। इसलिए मैंने सोचा है कि आज शिक्षक दिवस है, आज बच्चों को मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, बस ये चैप्टर खत्म करना है, नया चैप्टर आज नहीं शुरू करना। देखो, इस चैप्टर में थोड़ा सा भाग बाकी है और वो थोड़ा भाग तुम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, बस उससे एक एग्जाम्पल और जाना है। कैसे? अब जो आज हमें पढ़ना है, अपनी लास्ट समावर्तता बची हुई है, संरूपण समावर्तता। ठीक है, संरूपण समावर्तता मतलब दो अलग अलग रूप कोई यौगिक यदि प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन में यह समावर्तता देखी गई है। हाइड्रोकार्बन में बाकी समावर्तता के साथ साथ यह समावर्तता भी देखी जाती है। तो इस समावर्तता को संरूपण समावर्तता इसलिए बोलते हैं कि दो अलग अलग आकार के रूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे इथेन का, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा था इथेन का, और दो रूप हमने पढ़े थे, एक सांद्रित रूप पढ़ा था और एक ग्रसित रूप पढ़ा था। उदाहरण में मैंने यहाँ पर इथेन लिखा है। अब इस इथेन के दो वैज्ञानिकों ने दो संरचनाएं दी थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साहोर्स, और दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूमैन। तो दोनों ने अपनी अलग अलग संरचनाएं दी थी। वो दोनों संरचनाएं मैं बोर्ड पर बनाऊंगी, और उससे पहले कोशिश करूंगी कि तुम्हें समझा पाऊँ उदाहरण की सहायता से या पेन की सहायता से तुम्हें समझा पाऊँ। पहले बोर्ड पर बना देती हूँ, उसके बाद फिर पेन की सहायता से, पेन को उससे रिलेट करके देखना कि मैम ने जो बोर्ड पर बनाया है वो वैसे ही संरचना आ रही है या नहीं आ रही है। देखो, इथेन का उदाहरण मैं पहले ले रही हूँ। इथेन की जो सांद्रित संरचना है और इथेन की जो ग्रसित संरचना है, मैंने दो वैज्ञानिकों के नाम बताए, साहोर्स के अनुसार और न्यूमैन के अनुसार। इंग्लिश में भी इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम लिख देती हूँ कि इंग्लिश में इनका क्या नाम लिखा गया है। देखो, साहोर्स को हम लिखते हैं SAWHORSE, और न्यूमैन को हम लिखते हैं NEWMAN, न्यूमैन। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब साहोर्स हम पहले बनाते हैं। देखो, इथेन में दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन के बीच में एक सीधी लाइन है। अब उस सीधी लाइन में इथेन के पहले एक सामान्य संरचना बनाएंगे। ये इथेन है, दो कार्बन, और दोनों कार्बन पर तीन तीन हाइड्रोजन लगे हैं, ये तीन हाइड्रोजन लगे। ठीक है, लेकिन जब साहोर्स ने संरचना को देखा तो उनको कैसा दिखाई दिया कि दो कार्बन यहाँ लगे हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं, इथेन पर एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं इथेन पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ। एक संरचना तो उन्हें ये दिखाई, दूसरी संरचना उन्होंने जब देखी तो उनको ये दिखाई दी कि बीच वाली लाइन है, उनको ऐसा दिखाई दिया कि इथेन के अणु के ऊपर ये दो हाइड्रोजन इधर, ये दो हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, ऐसी संरचना। ये बात समझ में आ रही है कि तीन तीन बंद है, एक कार्बन पर ये हमने कार्बन माना, ये हमने कार्बन माना, ये तीन बंद, एक दो तीन बंद हुए इस कार्बन के, एक दो तीन बंद हुए इस कार्बन के, इस संरचना में भी एक दो तीन इस कार्बन के बंद है और एक दो तीन इस कार्बन के। देखो, इस संरचना को हम बोलते हैं सांद्रित संरचना, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ सांद्र, और इस संरचना को हम बोलते हैं ग्रसित। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, दोनों संरचनाओं में जो अंतर तुम देख सकते हो और मैं तुम्हें बता भी देती हूँ अंतर क्या है। देखो, ये संरचना हमें थोड़ी स्थायी संरचना दिखाई दे रही है,
कारण क्या है कि इसमें दो हाइड्रोजन इस तरफ आए और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन दूसरी तरफ आए, मतलब इन हाइड्रोजन का जो भी वजन होगा इन हाइड्रोजन से संतुलित हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का जो भी वजन होगा इस हाइड्रोजन से संतुलित हो जाएगा, संतुलन की स्थिति आ जाएगी इस संरचना में, एक संतुलन की स्थिति आ जाएगी। जैसे ऐसा समझो कि अपना जो सीसो वाला झूला होता है, तो सीसो वाले झूले पे बच्चा एक बार ऊपर, एक बच्चा ऊपर गया, दूसरी बार दूसरा बच्चा ऊपर गया, लेकिन अगर दोनों बराबर वजन वाले बच्चे बैठे हुए होते तो एक आध बार ऊपर नीचे होने के बाद वो संतुलित हो जाता है, संतुलन की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर भी वही, देखो इस तरफ भी उतना ही वजन है और वो वजन दोनों दिशाओं में बराबर रूप से बिखरा हुआ है, कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस साइड में, दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन ने इसके भार को संतुलित किया, इस एक हाइड्रोजन ने इसके भार को संतुलित किया। ये बात समझ में आई? और ये जो स्थिति है, ये अपने संतुलन की स्थिति आ गई, इसको हम स्थायी संरचना मान रहे हैं। तो मैं सामने के नीचे लिख देती हूँ, यहाँ इसके सामना लिख देती हूँ कि ये अपनी स्थायी संरचना जो भी सांत्रिक है और जिस भी हाइड्रोकार्बन की सांत्रिक संरचना हम लिख रहे हैं, तो वो एक स्थायी संरचना मानी जाती है। और उस संरचना को देखते ही पता चल जाता है कि इस संरचना में एक संतुलन की स्थिति आई हुई है, इसलिए ये स्थायी संरचना मानी गई। अब दूसरी संरचना पर आओ, इसको मैंने लिखा है ग्रसित। ठीक है, ग्रसित का मतलब कुछ ना कुछ, जैसे ग्रसित और ग्रहण, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तनाव है। अब वो तनाव कैसा तनाव है, आगे देखो, इस तरफ दो हाइड्रोजन इस कार्बन के भी हैं, इस तरफ दो हाइड्रोजन इस कार्बन के भी हैं, और इस तरफ इसका एक हाइड्रोजन, इस तरफ इसका एक हाइड्रोजन, मतलब इस साइड से इस साइड में दुगना भार है। यहाँ एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ चार हाइड्रोजन है, तो इस तरफ दुगना भार आता है। तो जिस तरफ दुगना भार आएगा उस तरफ वो झुकी हुई दिखाई देगी, जिस तरफ आधा भार होगा उस तरफ से झुकी हुई दिखाई देगी। ये बात समझ में आई? इसलिए इसको ग्रसित बोलते हैं, क्योंकि ये संतुलित नहीं है, इसलिए ग्रसित बोला जाता है, क्योंकि जो भार है, जो कार्बन के साथ अतिरिक्त भार हाइड्रोजन का लगा हुआ है, वो अतिरिक्त भार संतुलन की स्थिति नहीं बना पाता है। ये यहीं पर एक एक तरफ ये ज़्यादा है और एक तरफ ये कम आ रहा है। ये बात समझ में आई? तो इसको हम अस्थायी संरचना मानते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, अस्थायी संरचना। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जो अपना मेन पॉइंट है, जो अपना मुख्य बिंदु है, वो हमें समझना। देखो, हम इसको बोल रहे हैं अस्थायी, इसको बोल रहे हैं स्थायी। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि दोनों में से कौन सी होती है, या अगर दोनों होती है तो कितने कितनी होती है, अस्थायी और स्थायी कितनी होती है। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि डी भी होता है, एल भी होता है टाटरिक अम्ल में, और उसके बाद मिजो भी होता है, डी और एल मिलकर मिजो भी बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितनी है, ये कितनी है, और अगर कोई बीच की स्थिति आती है तो वो कितनी है, बीच की स्थिति कितनी है, ये पता लगाना है। देखो, ये ग्रसित जो संरचना है, क्योंकि ये ग्रसित हो चुकी है, अब ये ग्रसित संरचना को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ मार्कर की सहायता से और डस्टर की सहायता से। देखो, ये मेरा ये इथेन का अणु है, और ये इथेन के अणु पर ये दो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगे हुए, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो कि ये दो हाइड्रोजन इधर भी लगे हुए, ठीक है, क्या होगा, वजन इधर ज़्यादा होगा, अणु इस तरफ झुकना शुरू हो जाएगा, और झुकने के बाद ऐसे ऐसे चलते 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 आखिर में अणु यहाँ पे आके रुकेगा, बिल्कुल उल्टा, एक साइड से पूरा उल्टा हो जाएगा, दूसरी साइड वहीं रहेगी एक साइड से, क्योंकि दूसरी साइड को संतुलन बनाना, तो दोनों साइड एक साथ नीचे नहीं झुकेंगी, और ये अणु ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ऐसे वाली संरचना है वो मैंने ये बनाई, ये कार्बन है जो तुम्हारे सामने की तरफ था, कि उसमें दोनों हाइड्रोजन नीचे आ गए। ये बात आई समझ में? अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन इस अणु पर नीचे की तरफ आ गया और यहाँ से इसने घूमना शुरू किया, जो घूर्णन हुआ इसके अंदर, उस घूर्णन का कारण क्या था? यहाँ पर एक तरह का तनाव उत्पन्न हो गया था, इधर अधिक भार था, इधर कम भार था, इधर अधिक बंद बने हुए थे, इधर कम बंद बने हुए थे, और कम भी बिल्कुल आधे का अंतर आया, दुगने का अंतर आया, इधर जितने बंद थे उसके दुगने बंद यहाँ थे, इधर जितना भार था उसका दुगना भार यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह का तनाव उत्पन्न होता है, और इस तनाव के कारण ये घूमना शुरू कर देता है, जो दूसरा कार्बन है, क्योंकि द्विबंध से तो जुड़ा नहीं है, घूम नहीं पाएगा, एक ही बंध से जुड़ा हुआ, एकल बंध से जुड़ा हुआ तो घूम जाएगा, तो एकल बंध से बंधे होने के कारण कार्बन घूमना शुरू कर देता है,
और घूमना शुरू करके आखिर में यहाँ पे आकर रुकता है, इस संरचना में आकर रुकता है। इसीलिए इसको स्थाई मानते हैं क्योंकि वहाँ पे आकर में रुक जाता है, और इसको अस्थाई मानते हैं क्योंकि यहाँ अगर इस स्थिति में है इथेन का अणु तो यहाँ पर उसको फोर श्योर घूमना ही घूमना, जब तक वो इस स्थिति में नहीं आ जाता तब तक उसको घूमना ही होता है, तब तक घूमते ही रहता है, ठीक है। और इस स्थिति और इस स्थिति, इन दोनों के बीच में ऊर्जा का जितना अंतर होता है, क्योंकि ऊर्जा इसमें भी होगी, ऊर्जा इसमें भी होगी, ऊर्जा का जितना अंतर होता है दोनों के बीच में वो मैं यहाँ पर लिखने में मिलता है, ये होता है अपना 12.5 किलो जूल पर मिनट। दोनों के बीच में ऊर्जा का कितना अंतर, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा, कम और ज़्यादा हमेशा याद रखना है। मैंने पिछले साल भी तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था ऊष्मागतिकी में, और इस बार भी तुम्हें बता रही हूँ कि अपने रसायन विज्ञान में इस यूनिवर्स में वही तंत्र स्थाई माने जाते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, जिसकी ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना ही अधिक स्थाई तंत्र माना जाता है। तो इसकी ऊर्जा कम होगी इसकी तुलना में, ज़्यादा कम होगी इसकी तुलना में, कितना 12.5 किलो जूल पर मोल, बहुत अंतर होता है, किलो जूल में, जूल में नहीं किलो जूल, ठीक है, 1000 से गुणा करें तब जाके जूल में इसका आएगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों की ऊर्जा में, और ज़्यादा अंतर होने के कारण ये उतना ही ज़्यादा स्थायी है और ये उतना ही ज़्यादा अस्थायी। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल प्रक्षेपण सूत्र बना देती हूँ और तुम्हें अंतर बताती हूँ कि सारोस में और न्यूमेरिकल प्रक्षेपण सूत्र में क्या होता है। पहले सूत्र बना देती हूँ। देखो, सूत्र बनाने में मुझे ये मिटानी पड़ेगी जो मैंने ऊर्जा का अंतर लिखा था, और ये ऊर्जा का अंतर मैं इन दोनों के बीच में नीचे लिखती हूँ, 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब न्यूमैन का परीक्षण हो सकते हैं, दोनों संरचनाओं को ध्यान से देखो। जो सांकरित संरचना मैंने बनाई है एक स्थायी संरचना दिखाई दे रही है, और जो ग्रसित संरचना मैंने बनाई है स्थायी नहीं दिखाई दे रही है। उस पर क्या लग रहा है? जैसे ये वाला बंद इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये बंद इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये बंद इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको ग्रसित माना जाता है। अब दोनों का अंतर क्या है? देखो, जो अपनी सावोर्स की दी हुई संरचना थी, सावोर्स ने ऐसे देखा था इस लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे इस लाइन में उन्होंने देखा, और न्यूमैन ने कैसे देखा था? ऐसे इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पे देखने पर उनको तीन बंद तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए, लेकिन जो पीछे वाले तीन बंद थे वो तीन बंद चुप गए। जब हमने ऐसे देखा तो सारे बंद बिल्कुल क्लियर दिखाई देते थे, जो कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं साहू जी, लेकिन जब इसको ऐसे देखेंगे तो अपने सामने तो यही आएगा, यही वाला भाग आएगा कार्बन का, और इसके जो बंद लिखे हुए लगे होंगे वो तो दिखाई देंगे, लेकिन जो बंद इसके पीछे लगे होंगे वो ऐसे लगेंगे तो सही कि बंद लगे हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो ये ग्रसित संरचना है और ये सांकरित संरचना है इथेन की, और ये न्यूमैन का प्रक्षेपण सूत्र कहलाता है। अच्छा, अब आते हैं अपने मित्र 12th वाले भाग की, ये 11th वाला भाग है तुम्हारा, अभी तक मैंने दोबारा पूरा बता दिया क्योंकि बुक में तुम्हारा पूरा दिया। अच्छा, अब आते हैं देखो 12th में जो तुम्हें पढ़ना विशेष रूप से, साइक्लिक यौगिकों में भी संरूपण समानता पाई जाती है। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो साइक्लिक यौगिक है, दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण था अपना और ये दूसरा उदाहरण, साइक्लिक यौगिकों में भी संरूपण समानता देखी जाती है,
उदाहरण साइक्लोहेक्सेन, ये लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की दो संरचनाएं देखी जाती हैं, एक संरचना कुर्सी संरचना, कुर्सी का आकार अपने दिमाग में लिखा, कुर्सी की जैसी संरचना, सबके घरों में कुर्सियां हैं, कुर्सी जैसी संरचना। दूसरी नौका संरचना, जैसी नाव होती है सबने देखी है नाव, और अगर ओरिजिनल भी नहीं देखी है तो कागज की नाव तो सबने देखी है। तो नाव का आकार और कुर्सी का आकार, ये दोनों आकार मैंने बोर्ड पर बनाए, क्योंकि दोनों ही आकार से तुम पहले से परिचित हो, तो इसलिए मैंने दोनों आकार बोर्ड पर बना दिए। अब देखो साइक्लोहेक्सेन का, ये बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका संरचना सूत्र क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन क्या है, एक एल्केन CnH2n, ठीक है, क्योंकि हमने साइक्लो शब्द लगाया है, और जो साइक्लो हाइड्रोकार्बन होती हैं वो एल्कीन के ही समावयवी होते हैं। मैंने अभी बीच में एक वीडियो में बताया भी था तुम्हें कि वो एल्कीन के ही समावयवी होते हैं। तो CnH2n अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ C6H आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और ये हमारी साइक्लोहेक्सेन भी बन सकती है, ये हमारी हेक्सेन भी बन सकती है और साइक्लोहेक्सेन भी बन जाएगी अगर पहला कार्बन और आखिरी कार्बन जुड़े हुए होंगे तो ये बन जाएगी। देखो यहाँ पर ये पहला कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 छठा कार्बन पहले कार्बन से जुड़ा हुआ, बात आई समझ में। अच्छा, ये कौन सी संरचना है, ये कुर्सी संरचना और ये नौका संरचना, ठीक है। अब दोनों संरचनाओं को देखकर तुम अपने आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी स्थाई होगी और कौन सी अस्थाई होगी। देखो मेरे हिसाब से तो कुर्सी स्थाई होने वाली है, कारण क्या है, बराबर विभाजन है, अणुभार बराबर विभाजन, हाइड्रोजन लगे हुए हैं हर एक कार्बन पर, दो हाइड्रोजन लगे होंगे वो लगाऊंगी मैं हाइड्रोजन, और यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है और साइड थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ, ज़्यादा उठा हुआ, इसलिए यहाँ पर फिर से एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा और वो तनाव उत्पन्न होकर इसको कुर्सी में बदलता है। ये कैसे बदलती है, देखो जो मैंने नीचे वाली संरचना बनाई है कैसे बदली है, ये नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा और झुकते झुकते ऐसा हो जाएगा कुर्सी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा देती हूँ, ये नंबर वन कार्बन है, इस नंबर वन कार्बन पर मैंने हाइड्रोजन लगाया एक हाइड्रोजन, नंबर टू पर भी मैंने लगाया एक हाइड्रोजन, इस पर भी मैंने लगाया हाइड्रोजन, इस पर भी मैंने लगा दिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो अब गिनती करके देख लो, पूरे 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं अपने और कार्बन की संख्या 6 है, मैंने पहले ही गिनती करके तुम्हें बता दी। अब इस संरचना में लगाते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लगाया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और टोटल मिला के 12 संख्या हो, ठीक है। लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या है कि इसके अंदर, अब देखो बंद को देखो, जो बंद लगे हुए उनको देखो, यहाँ पर जो बंद लगे हुए सभी बंद समान रूप से वितरित, समान रूप से वितरित को मैं क्या बोलूँगी, वो सांत्रित बंद है, जो साथ साथ वाले कार्बन पर बंद लगे हुए हैं वो सांत्रित बंद है। सांत्रित बंद मतलब स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब समान रूप से बिखरे हुए, जो बंद लगे हुए देखो इस कार्बन पर, इस कार्बन पर देखो, तो जो दो कार्बन जुड़े हुए हैं इधर, दो कार्बन जुड़े हुए हैं इधर, बराबर दूरी पर जुड़े हुए, और हर एक कार्बन पर जो हाइड्रोजन के लगे हुए हैं तो एक संतुलन की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ नीचे वाले भाग में तो थोड़ा ज़्यादा हमें वजन दिखाई दे रहा है। क्यों ज़्यादा वजन दिखाई दे रहा है, देखो कितने टोटल हाइड्रोजन हो गए, 4, 6, 8, मतलब 12 में से 8 हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ गए, बीच में आ गए, और 4 हाइड्रोजन दो इस किनारे पे, दो इस किनारे पे, तो असंतुलन आना ही है वहाँ पर, एक असंतुलन की स्थिति आएगी और असंतुलन के साथ साथ एक तनाव की स्थिति आएगी। अब उस तनाव की स्थिति में क्या होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर वजन ज़्यादा है तो ये इस भाग को नीचे की तरफ खींच लेगा, इसको या उसको किसी एक भाग को नीचे की तरफ खींच लेगा, और नीचे की तरफ खींचने के बाद अपने पास ये संरचना आ जाएगी जो मैंने नीचे बनाई है।
अच्छा, और इस संरचना में मुझे एक चीज और बतानी है बेटा। देखो दोनों में से ये अपनी स्थाई संरचना, मैं लिख देती हूँ कि जो कुर्सी वाली संरचना है वो अपनी स्थाई संरचना है और ये अपनी अस्थाई संरचना। कारण क्या हुआ स्थाई और अस्थाई होने के पीछे? कारण हुआ कि ये जो स्थाई संरचना है, ये स्थाई संरचना बराबर वितरण हुआ है, बंद का बराबर वितरण होने के कारण बनी है, और ये अस्थाई संरचना तनाव के कारण बनी है। ठीक है, अब दोनों संरचनाओं में ऊर्जा का कितना अंतर है? ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है 6 से 7 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 44 किलो जूल पर मोल आता है, इससे भी ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बन गया। यहाँ पे कैलोरी मैंने लिखा है 67 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्योंकि वो भी एक इकाई है, ऊर्जा की इकाई। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बतानी है बेटा इसमें, और वो चीज़ मुझे क्या बतानी है कि जो यहाँ पर मैंने बंद लगाए हैं इस संरचना में, जब ये संरचना इसमें परिवर्तित होती है, तो जो बंद मैंने लगाए हैं यहाँ पर, मैंने दो तरह के बंद लगाए हुए हैं, दो तरह के हाइड्रोजन बताए हुए हैं। कौन कौन से हाइड्रोजन? एक अक्षीय हाइड्रोजन, एक मध्य रेखीय हाइड्रोजन। अक्षीय हाइड्रोजन मतलब जो ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, वो अक्षीय हाइड्रोजन। और मध्य रेखीय हाइड्रोजन जो ऐसे लगे हुए, मध्य रेखा में इक्वेटर में लगे हुए हैं जो हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब देखो अक्षीय हाइड्रोजन कितने हैं और अपने मध्य रेखीय हाइड्रोजन। देखो अक्षीय को मैंने क्या लिखा हुआ है, इसे बैठक में यहाँ पे लिख देती हूँ HAX, HCl, AXIAN, उसको HCl बोला जाता है। ठीक है, और ये HEQ, इक्वेटोरियल, क्योंकि उसको इक्वेटर बोलते हैं मध्य रेखा। तो इसका AX का मतलब है HCl और EQ का मतलब है इक्वेटोरियल। ये बात आई समझ में? अच्छा, अब गिनती करते हैं कि कितने तो एक्सीएल बंद बने हुए हाइड्रोजन के कार्बन के साथ और कितने इक्वेटोरियल बंद बने हुए हाइड्रोजन के कार्बन के साथ। देखिए यहाँ पर मैंने लिया अक्षीय हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद दूसरा अक्षीय हाइड्रोजन यहाँ पर, तीसरा अक्षीय हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, चौथा अक्षीय हाइड्रोजन यहाँ पर, पाँचवा अक्षीय हाइड्रोजन यहाँ पर और छठा अक्षीय हाइड्रोजन यहाँ पर। मतलब जो ऊपर है और जो नीचे, वो दोनों हाइड्रोजन अक्षीय हाइड्रोजन। टोटल संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई इसकी? 6 हो गई मिला के, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल नंबर 6 हो गया अक्षीय हाइड्रोजन। अब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन देखते हैं। देखो इक्वेटोर, क्योंकि मध्य रेखा पे आना है आपको, ये इक्वेटोर क्या है, ये इक्वेटोर क्या है, इक्वेटोर इक्वेटोर चार, एक ये इक्वेटोर पर आ रहा है और एक ये इक्वेटोर पर आ रहा है, क्योंकि ये जो बीच वाली संरचना है, इस बीच वाली संरचना में दोनों हाइड्रोजन ऊपर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि थोड़ा तनाव होगा, नीचे की तरफ झुकी हुई होगी कुर्सी, तो ये एक ऊपर दिखाई देगा, एक नीचे दिखाई देगा, बाकी जो दो हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे इसी रेखा में लगे होंगे। मतलब ये थोड़ा इसकी तरफ झुका हुआ है, ये भी थोड़ा इसकी तरफ झुका हुआ, सीधे खड़े हुए नहीं दिखाई देते। तो हम केवल यहाँ सीधे खड़े हुए की गिनती कर रहे हैं। जो सीधे खड़े हुए हैं वो अपने अक्षीय हाइड्रोजन है, और जो सीधे नहीं खड़े हुए हैं, या तो मध्य रेखा पर है, चार तो मध्य रेखा पर ही, और या फिर मध्य रेखा की तरफ झुके हुए हैं, उनको हमने इक्वेटोरियल हाइड्रोजन या मध्य रेखीय हाइड्रोजन माना। ठीक है, तो ये 6 मध्य रेखीय हाइड्रोजन होते हैं और 6 अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं, किसके अंदर? अपनी कुर्सी के आकार के अंदर, ये कुर्सी की संख्या। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेटा, यही कारण है कि कुर्सी की संरचना स्थाई हो जाती है, क्योंकि तो हमने देखा कि ऊपर नीचे वाले और ऐसे लेटे हुए जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या बिल्कुल बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आने के कारण वो एक स्थायित्व प्रदान करते हैं साइक्लोहेक्सेन की संरचना। तो ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना थी और ये इथेन की संरचना थी, ये दोनों ही तुम्हारे कोर्स में है 12th क्लास में, दोनों में से कोई भी बनाने के लिए आ सकता है। इथेन का 11th में पढ़ा था, तो पहले नंबर पहले साइक्लोहेक्सेन की तीनों संरचनाएं याद करनी है और उसके बाद फिर तुम्हें इथेन की भी याद करनी है।
ठीक है, एक तरह से समझ लेना, उन्हें कुछ नहीं क्लियर हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वापस उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, या तुम्हारे उस पर मैसेज कर दूंगी उसका, ठीक है। नोट्स मैं इस चैप्टर के भेज चुकी हूँ बेटा, तो नोट्स नोट करते रहो, क्योंकि रसायन विज्ञान में मैं तुम्हें पहले दिन से समझाती आ रही हूँ कि ज़्यादा भाग सैद्धांतिक भाग है। अगर संरचनाएं हैं तो जब तक अपने हाथ से बनाकर नहीं देखोगे तब तक वो संरचनाएं नहीं बनने वाली। तुम्हें कितने भी अच्छे से संरचना समझ में आ गई, कितने भी अच्छे से ऑक्सीजन समझ में आ गई, कितने भी अच्छे से तुम्हें मध्यरेखीय हाइड्रोजन समझ में आ गई, लेकिन जब तक बनाकर नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि हाइड्रोजन बंध जो अलग अलग हैं उनको हमें कैसे प्रदर्शित करना है अपने चित्र के, ठीक है। तो आज ये अपना चैप्टर 16 खत्म हो गया, अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस बार में थोड़ा ऑर्गेनिक से निकलकर इनऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। और वो चैप्टर थोड़ा सा एक चेंज हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी, कि इतने टाइम से ऑर्गेनिक पढ़ते आ रहे हो, संरचना तो थोड़ी मुश्किल आती ही है बनाने, मुझे पहली बार बनाते संरचना को, लेकिन जब बनाओगे बार बार